तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर मेरे को मे के सेकंड पार्ट की वीडियो नहीं मिलती है कहीं से भी, तो मैं खुद ही पीडीएफ की जो डेली करंट अफेयर रहती है उनको कंपाइल करके मैं एक वीडियो ले आऊँगा, ताकि थोड़ी सी हेल्प हो सके आपकी। तो वेलकम टू द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं रोज़ ऐसी वीडियोस ला सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं 300 बेस्ट एंड एमसीक्यू पार्ट 2 ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मे। तो सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई 4 को। सेकंड है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई 8। और थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिजीज है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहती है ब्लड की वो कम हो जाती है। एक प्रोटीन रहता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, और वो उसकी जो एफिशिएंसी रहती है वो कम हो जाती है, इसलिए ये डिजीज होती है। और इस बार इसका थीम था एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई 11 को। और इस बार इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमने पोखरण में 1998 को हमने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, तो इसलिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी मनाते हैं मई 11 को। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई 13 को। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे वर्ल्ड ये मनाया जाता है मई 7 को। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे, ये मनाया जाता है 8 मई को। और इस वर्ष का थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 एंड रेड क्रिसेंट डे, ये मनाया जाता है 8 मई को। एंड इस बार इसका थीम था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। और ये है मई 2 वीक की फेमस ऑब्लिगेशंस। तो हम देखते हैं पहला पनराज भाटिया, जो कि म्यूजिक कंपोजर थे। एम के कौशिक जो हॉकी प्लेयर थे, रविंद्र पाल सिंह हॉकी प्लेयर थे। और वी कलेनम ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के। और एक राज्यसभा एमपी थे रघुनाथ मोहपात्रा, ये फेमस स्कल्पचर थे, ये भी आप ध्यान रखेगा। तो हम चालू करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज में ही। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन ओरिजिन इम्यूनोलॉजिस्ट जिनको अब इलेक्ट कर दिया है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इनका नाम है शंकर घोष, आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, ऑप्शन ए शंकर घोष। नेक्स्ट है, एक एयरपोर्ट बना है रूपसी एयरपोर्ट, जो कि आरसीएस उड़ान स्कीम के अंदर बना है, और ये 8 मई से ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये कहाँ पर बना है? ये बना है आसाम में। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे ने एक 12,000 हॉर्स पावर का WAG-12B लोकोमोटिव बनाया है। तो ये किस कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया है माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और ये है बिहार में, ऑप्शन बी माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड, किस कंट्री ने G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग को होस्ट करा है? तो ये है इटली। नेक्स्ट है, एक कंट्री है जिसने ये अपना सेटअप करा है 2045 तक वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को नेट जीरो कर देंगे। तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेज रहती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, तो इन सबको ये रिड्यूस कर देगी और नेट जीरो कर देगी। तो ये करा है जर्मनी ने, और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और इसके चांसलर है एंजेला मार्केल। नेक्स्ट, एक मेडिसिन है आयुष 64 करके, और इसको यूजफुल माना गया है कोविड के माइल्ड से मॉडरेट केसेस में, हेल्पफुल बहुत ज्यादा कर रहा है ये। तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है ऑप्शन सी CCRAS, और CCRAS की फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021 रिलीज करी है यूएन ने, और इसमें इसने बताया है कि कितने लोगों ने 2021 में एक्यूट हंगर फेस करा है। एक्यूट हंगर ये फेस करा है ऑप्शन सी 155 मिलियन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे थे अजीत सिंह, अजीत सिंह ये इनकी डेथ हो गई है, तो ये किस पार्टी के फाउंडर थे? ये थे राष्ट्रीय लोक दल के। और अब मैं आपको बता दूं कि अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कीम है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, मैं आपको अभी ऑप्शन बता दूं, उसका आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली।
ये हेल्प करेंगे ऑटो रिक्शाज और जो ट्रैक्टर ड्राइवर रहते हैं उनको 500 रुपीज़ देने में, ठीक है, 500 रुपीज़ का ये थोड़ा देंगे उनको, ताकि कोविड रिलीफ में थोड़ा उनको हेल्प हो सके थोड़ा बहुत। एक दूसरी स्कीम लॉन्च करी है हरियाणा ने, जो कि सेम 5,000 रुपीज़ देंगे, लेकिन वो देंगे बीपीएल परिवार को, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार फैमिलीज होगी उनको ये 5,000 देंगे हरियाणा गवर्नमेंट। और एक और स्कीम है जिसमें 5,000 रुपीज़ पर मंथ, अब ये ध्यान रखिएगा, पर मंथ दिया जाएगा, और उनको दिया जाएगा जिनके भी पेरेंट्स जो हैं वो कोविड-19 में डेथ हो गए हैं, या जो भी गार्जियन थे उनकी डेथ हो गई है और वो अभी वो अनाथ है, तो ये दिया जाएगा एमपी गवर्नमेंट की तरफ से। आप ध्यान रखिएगा 5,000 पर मंथ है वो, और ये नॉर्मल 5,000 है, ठीक है। एक डक्ट बिल डायनासोर स्पीसीज है और इसको डिस्कवर किया गिया है, और इसका है यामामोटोसोरस इजानगी करके है, ये इजानागी करके इसके फोसल्स मिले हैं। तो आप ये हम देख सकते हैं, ये किसने डिस्कवर करा है, ये जापान में डिस्कवर करा है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसमें यामामोटोसोरस इजानगी करके। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि सब सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो एक सर्टिफिकेट रिलीज करें, ताकि ऑनलाइन मोड में जाके जो भी डिसेबिलिटी लोग रहते हैं उनकी एक अलग से आइडेंटिटी बन सके। तो इसका पोर्टल क्या नाम है, इसका पोर्टल का नाम है यूडीआईडी पोर्टल, और यूडीआईडी की फुल फॉर्म है यूनिक आईडी फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, यूनिक आईडी फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, इन्होंने बताया कि कितने, जैसे अभी नॉर्मली क्या हम कहते थे कि 95% से कम होने पे क्रिटिकल केस बोल देते थे हम लोग की ऑक्सीजन लेवल, तो इन्होंने बोला है कि अगर 92% हो और 93% हो तो इससे भी इनको भी क्रिटिकल कंसीडर नहीं किया जाएगा, अगर 92 से कम है तो ही हम इनको क्रिटिकल कंसीडर करेंगे, तो यह है ऑप्शन डी। हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ आईसीएमआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं, ये है आर एम सुंदरम, आप यहाँ इनकी फोटो देख सकते हैं। एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है, मियोन का बारा रेलवे स्टेशन को अब महेश नगर कर दिया है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये है जोधपुर में। नेक्स्ट है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम लॉन्च करा है डीआरडी ने, जो कि जो चेस्ट की एक्सरे होता है उससे डिटेक्ट कर लेगा कि कोविड एक पर्सन को है कि नहीं, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है आत्मान एएन, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए आत्मान एआई। मोहम्मद नशीद ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं किस कंट्री के, जो कि अभी इंजर्ड हुए हैं एक ब्लास्ट में, ये रहे हैं मालदीव्स में, मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट, और मालदीव्स की कैपिटल है माले। नेक्स्ट है एक पहली इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्टर डायलॉग मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई है, पहली इंडियन फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्टर डायलॉग मीटिंग कहाँ हुई है, ये हुई है लंदन में, ऑप्शन सी लंदन में इनकी वो हुई है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ एशियन जर्नल एसोसिएशन साझा ने एडवाइस करा है कि कोई भी इंडियन वेरिएंट करके उस कोविड का 19 का स्ट्रेन का नाम यूज ना करे, B.1.617 करके ही यूज करे बोला है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है साझा का, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। एक वैक्सीन बनी है, इमरजेंसी अप्रूवल दे दी है WHO ने, जिसका नाम है सिनोफार्म, तो ये वैक्सीन किस कंपनी किस कंट्री ने बनाई है, ये बनाई है, ये चाइना की वैक्सीन है, आप ध्यान रखिएगा सिनोफार्म करके। बीआरओ ने अपना कौन सा 7 मई को कौन सा अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट कराया, ये इन्होंने करा 61 को, तो बीआरओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी बॉर्डर्स के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। एन रंगस्वामी ये चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी की है, कौन सी बार बने हैं ये बने हैं फोर्थ बार, चौथी बार। नेक्स्ट है आरबीआई ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है जो कि असिस्ट करेगा सेकेंडरी रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को, तो इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, इसके रहेंगे एस, ऑप्शन ए एस जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट, किस कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है ओरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ताकि सर अरबिंदो के बिहाफ सोसाइटी के बिहाफ में, तो ये करा है ऑप्शन सी त्रिपुरा ने। म्यूकोरमाइसिस करके एक डिजीज है जो कि अभी बहुत ज्यादा हो रही है, जो भी पहले पोस्ट कोविड के बाद ये ज्यादा लोगों को हो रही है,
और ये क्या है, ये एक तरीके का फंगस है, आपको पता है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। तो ये एक पर्टिकुलर जो साइंटिफिक नाम है वो है म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करा है कि वो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे पुअर कोविड के मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में? तो ये डिसाइड करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी है जिसने रोल्स रॉयल के साथ एग्रीमेंट करा है रोल्स रॉयल MT30 मराई इंजन के लिए? तो ये करा है हमारी हाल ने HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप द ग्लोबल साइट्स इंडेक्स Q1 2021, जो कि नाइट फ्रैंक ने रिलीज करा है? तो किस कंट्री ने, किस सिटी ने करा है? ये है सेंजांग ने, सेंजांग है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रग है इवरमेटिक ड्रग करके, जो कि 18+ के लोगों को दिया जाएगा ताकि कोविड के जो भी डेथ हो रही है उसको रिड्यूस करने में, तो ये किसने अप्रूवल दिया है? ये दिया है गोवा की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एक्टर किसको मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेयर में? तो आप यहां उनकी फोटो देख सकते हैं, ऑप्शन बी अनुपम खेर। और एक पहली फीमेल आर्टिस्ट और पहली नॉन इंग्लिश आर्टिस्ट को पहली बार ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया है 2021 ब्रिट अवार्ड्स में, तो ये कौन है? आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है टेलर स्विफ्ट, ऑप्शन सी टेलर स्विफ्ट। एक कंट्री है जिसने डिक्लेयर करा है रीजनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी है, क्योंकि इनके एक कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी में साइबर अटैक हो गया था, तो ये किसने डिक्लेयर करा है? ये करा है यूएसए ने, ऑप्शन बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, ये माउंटेन बोंगोस करके है, ये अब IUCN ने कौन से स्टेटस में डाल दिया, इनको डाल दिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, ऑप्शन बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले जिनकी 155 मनाई गई थी, 9 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी 9 मई को, तो ये किसके फाउंडर थे? ये थे ऑप्शन ए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर, ऑप्शन ए। एक इंडिया और विच किस कौन सी कंट्री ने एक रोड मैप 2030 करके एक बायलेटरल ट्रायल्स बनाया है? तो ये है यूके और इंडिया ने, दोनों ने मिलके रोड मैप 2030 बनाया है, आप ध्यान रखिएगा, इंडिया और यूके ने। एक बुक है जिसका नाम है बुद्धा इन गंधरा, ये किसने लिखी है? ये आप यहां देख सकते हैं फोटो में, ये लिखी है ऑप्शन बी सुनीता द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, प्लेटफॉर्म में, और ये किसने जो इसमें हेल्ड करा था? ये ऑर्गेनाइज करा था आइसलैंड और जापान ने मिलकर, ऑप्शन ए जापान और आइसलैंड ने मिलकर। एक ड्रग है, ड्रग कंपनी है जिसने यूएसए की इली लिली एली लिली कंपनी के एंड मैन्युफैक्चर ताकि ये कंपनी के साथ वो करा है अपना पैक्ट करा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करेगी बारीसिटनिब को। बारीसिटनिब एक मेडिसिन है जो कि हेल्प करेगा कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये हमारी इंडियन कंपनी कौन सी है? सिप्ला, ऑप्शन डी सिप्ला के साथ। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल के लिए आईसीसी ने किसको बनाया है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए बाबर आजम, बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर है, अब ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के प्लेयर। फीमेल में कौन है? फीमेल में है आलसिया हीले करके, आलसिया हीले फीमेल में फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021। और ऋषभ पंत कब के थे? ऋषभ पंत आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी मंथ के थे, ये आप ध्यान रखिएगा जनवरी मंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ टेक्निकल ग्रुप सोशल स्टॉक एक्सचेंज? वो टेक्निकल ग्रुप के हेड कौन है सोशल स्टॉक एक्सचेंज ने, जो कि सेबी ने बनाया है, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी हर्ष बानवाला। कौन सी ये अपनी जिसको एक अवार्ड मिला है और उसका नाम है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड करके, तो ये कौन सी एंटरप्राइज को मिला है? ये दिया है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, तो आप यहां देख सकते हैं फोटो में, ये मिला है IREDA के, IREDA की फुल फॉर्म में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, अब ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, किसको अपॉइंट करा है वुमेन्स इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोच? तो ये है ऑप्शन सी रमेश पोवार, ऑप्शन सी रमेश पोवार। कौन सी बैंक है जिसने एक और एक कॉमन सर्विस सेंटर है जिसने साथ में मिलकर एक चैटबोर्ड लॉन्च करा है जिसका नाम है ईवा, एक चैटबोर्ड लॉन्च करा है जिसका नाम है ईवा करके उसका चैटबोर्ड का नाम है, तो ये इन्होंने करा है HDFC बैंक के साथ, HDFC, ऑप्शन बी HDFC बैंक।
किसको अपॉइंट किया गया है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICC लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो इनका नाम है उज्ज्वला सिंघानिया, उज्ज्वला सिंघानिया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के ऑथर कौन है? इनका नाम है ऑप्शन ए शंकर राठौर, शंकर राठेर। किसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के? तो इनका नाम है ऑप्शन सी पद्मा कुमार एम नायर, पद्मा कुमार एम नायर। प्रेजेंट नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉरी, इन्होंने डिसाइड करा है कि ये G7 मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो G7 मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज करी है? ये करी है हमारी ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। एक फोर्थ स्टेट है जिसने 100% प्रोवाइड 100% टैप वाटर अंडर जल जीवन मिशन, मतलब हर घर पानी जो योजना है, तो ये अपना पहला फोर्थ फोर्थ स्टेट बना है जिसने हर घर में जल पहुंचाने का जो काम था वो पूरा कर लिया है। तो ये कौन है? ये है ऑप्शन डी पुडुचेरी। पहला कौन था? पहला था गोवा, अब याद रखिएगा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा अंडमान निकोबार आइलैंड और चौथा पुडुचेरी। इंडियन आर्मी में पहली बार फीमेल सोल्जर इन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री में, मिलिट्री कॉर्प्स जो होती हैं वो अपॉइंट की गई हैं, मतलब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अभी रिक्रूट हो गई हैं। तो कितने नंबर की हैं, कितने नंबर की कितने नंबर की हैं ये हुई हैं? 83 नंबर जो फीमेल कैडेट्स हैं वो अब कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री कॉर्प्स में आ गई हैं। विच कंपनी, कौन सी कंपनी ने परमिशन दे दिया है ताकि वो प्रीपेड पेमेंट बिजनेस में जा सके? ये दिया गया आरबीआई ने दिया है, ये दिया गया है बजाज फाइनेंस, ऑप्शन बी बजाज फाइनेंस। जोस जी कटोर को ये अपॉइंट हुए हैं एज ए ईडी किसके? ये है ऑप्शन ए आरबीआई के, ऑप्शन ए आरबीआई। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना? ये लॉन्च करा है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। एक बहुत ही बड़ा फ्रॉग डिस्कवर्ड हुआ है अभी जो कि ह्यूमन के साइज का है, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। तो ये हुआ है सोलोमन आइलैंड में, ऑप्शन बी सोलोमन आइलैंड। एक पुलिस है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक लॉन्च करा है मिशन हौसला करके, ताकि ये हेल्प कर सके ऑक्सीजन बेड प्लाज्मा मिल सके COVID-19 के लोगों को। तो ये कौन सी स्टेट की पुलिस ने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है ऑप्शन डी उत्तराखंड की उसने। कौन सी आईआईटी है जिसने एक ऑल्टरनेटिव बनाया है मर्क, जो नॉर्मली मर्करी के ब्लड प्रेशर मॉनिटर होती थी उसके उससे अलग बनाया है एक? तो ये बनाया है आईआईटी रूपर ने, ऑप्शन डी आईआईटी रूपर। किसको इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शकुंतला हरिकृष्ण थ्रिशेड, शकुंतला हरिकृष्ण और थिलसेड को। अर्जुन नागवासला, अर्जुन नागवासला इसको इनको ये हाल ही में बहुत न्यूज में थे। तो ये कौन से स्पोर्ट्स एसोसिएट है? ये है क्रिकेट से, ऑप्शन सी क्रिकेट। एक आईटी है जिसने मोबाइल पेमेंट फॉरम के साथ, फॉरम ऑफ इंडिया के साथ एक वॉइस बेस्ड सॉल्यूशन बनाया है ताकि डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। तो ये किसने करा है? ये ऑप्शन सी आईटी मद्रास के साथ। किनको चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया है? बीपीसीएल का, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। तो ये करा गया है अरुण कुमार सिंह को, ऑप्शन डी अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, एक ई कॉमर्स साइट है इसने लॉन्च करा है संजीवनी, और ये हेल्प करेगी प्लाज्मा डोनर्स को, मतलब डोनेट जो करते हैं प्लाज्मा डोनर्स उनके साथ, उनकी हेल्प से ताकि कोविड को वो कम कर सके। तो ये करा है स्नैपडील, ऑप्शन ए स्नैपडील। गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये डिसाइड करा है, पार्टनर करा है आपस में ताकि ऑक्सीजन जनरेट कर सके? ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर। तो ये करा है इन्होंने जापान के, जापान की गवर्नमेंट और UNDP ने ये डिसाइड करा है, दोनों मिलके ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, प्लांट्स स्टेप करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है MOU बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी ऑफ कौन सी, विच कंट्री? तो ये है ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन बी कतर। किसने इस बार का वुमेन सिंगल मैड्रिड ओपन 2021 जीता है? तो इनका नाम है आर्या
सब लेखा, सब लेखा, आर्निया सब सब लेखा। तो ये और कौन सी कंट्री की है? ये है बेलारूस की। किस कंट्री ने इस बार का होल्ड द प्रेसिडेंसी होल्ड करी है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की, प्रेसिडेंटी काउंसिल? तो ये करी है पोर्चुगल ने, ऑप्शन सी पोर्चुगल। कौन सा बैंक है जिसने पार्टनर करा है डिजिटल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ? ये करा है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक ने, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी आईआईटी है जिसने मिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है भारत ओ2 चैलेंज, भारत ऑक्सीजन चैलेंज, ताकि ऑक्सीजन जो हो रही है उसको टैकल करा जाए? ये आईआईटी कानपुर में। किनको मिला है एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड? ये मिला है जज गीता, जस्टिस गीता मित्तल को, जस्टिस गीता मित्तल को एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड मिला है। सीबीएसई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जो कि काउंसलिंग करेगा स्टूडेंट और पेरेंट्स की। तो उसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है सीबीएसई दोस्त फॉर यू, दोस्त फॉर लाइफ। इस बार के लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन है? मेंस लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, इनका नाम है रोजर फेडरर। इसका नाम है, नहीं सॉरी सॉरी करेक्शन है, इनका नाम है राफेल नडाल, ऑप्शन सी राफेल नडाल। और ये कहां के है? यह है स्पेन के प्लेयर, ठीक है, आप याद रखिएगा राफेल नडाल स्पेन के। स्पोर्ट्समैन वुमेन कौन है? नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका जापान की। और टीम कौन है इस बार की? बेरलिन मुनिच, ये जर्मनी की फुटबॉल क्लब है, जर्मनी की फुटबॉल क्लब है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? बिली जीन किंग को। ये कौन है? ये टेनिस प्लेयर है, फेमस बहुत पुरानी टेनिस प्लेयर है। हु हैज वॉन द मेन सिंगल्स मैड्रिड ओपन? तो मेन सिंगल्स किसको, किसने जीता है मैड्रिड ओपन? ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव। और ये है जर्मनी। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स अपॉइंट बनाया है, ये कितने मेंबर की है जो कि ऑक्सीजन एलोकेशन देखेगी? ये है 12 मेंबर्स की, ऑप्शन सी 12 मेंबर्स। तालिबान ने एक अफगानिस्तान का सेकंड बिगेस्ट डैम जो है वो कैप्चर कर लिया है। इस डैम का नाम क्या है? डल हाउस। और पहला कौन सा है? पहला सबसे फर्स्ट बिगेस्ट डैम अफगानिस्तान में, यह है नांगलू डैम। नांगलू डैम सबसे बड़ा है अफगानिस्तान में। कामी रीता थापा, ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये कितनी बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करा है? ये है ऑप्शन सी 25वीं बार, ऑप्शन सी 25 टाइम्स। यूएन ने, यूएन की एक वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट ने रिपोर्ट करा है कि इंडिया का इस बार 2021 का जीडीपी कितना रहेगा? ये रहेगा 7.5%। एक बुक है एलिफेंट, किसने लिखी है? ये लिखी है पॉल पिकरिंग ने। एक वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस किया? ये है ऑप्शन सी आईबीएम ने इंट्रोड्यूस करा है। ये एक रॉकेट था जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट करके, तो ये कहां ड्रॉप हुआ है? चाइना का था ये, जो कि अनस्टेबल हो गया था। ये इंडियन ओशन में, ऑप्शन बी इंडियन ओशन में ये गिरा है। चाइना ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करा है, सैटेलाइट का नाम क्या है? यांगयान 34, ऑप्शन ए यांगयान 34। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकवाटर एक्वाकल्चर ने एक वैक्सीन डेवलप करी है जो कि वायरल नर्वस न्यूरोसिस की डिजीज को टैकल करने के लिए। तो ये किसको अफेक्ट करती थी? ये वायरल नर्वस न्यूक्रोसिस किसको वो अफेक्ट करती थी? ये करती थी फिशिश को, ऑप्शन बी फिशिश। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है, ये जीते उन किसने जीता है? ये जीते उन किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? यूके के। किसने ये बुक रखी लिखी है जिसका नाम है एलिफेंट इन द रूम? और ये डेब्यू करी है अपनी बुक का, तो इसका नाम है कलका कोचलैन। ये बॉलीवुड एक्टर है, आपने उनको बहुत मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। ये थे बेस्ट 7th मई और से 14th मई के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स थे, जो बेस्ट हैं वो ये हैं। तो मैं अगर मेरे को नेक्स्ट पार्ट भी नहीं मिलता है, पार्ट 3 नहीं मिलता है, तो भी मैं सेम इसी तरीके से इसको लेके आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड विद इंस्पेक्ट डे।